फ्रेंड आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यूएसबी हब बना के दिखाऊंगा, जो कि आपके पास एक चार्जर है तो आप सोचते हो कि उस चार्जर से मैं दो तीन मोबाइल कैसे चार्ज कर लूं, तो बहुत ही इजी तरीका है, तो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी कोई इस तरह की पाइप, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। मैंने दोस्तों ली थी, एक मीटर में 40 रुपये मिली थी। अगर आप इतना बड़ा टुकड़ा लोगे तो आपको 5 रुपये या उससे कम भी दे देगा। तो मैंने उसमें से कुछ काट रखा है इस तरीके से, ठीक है। और आपको लेनी है दोस्तों, मैं बता दूँ, ये जो आता है यूएसबी, आपके घर में पुराना चार्जर पड़ा होगा उसमें से निकाल सकते हो। खैर मैं तो उसमें से निकाल रखा हूँ। अगर आप मार्केट से लेना चाहोगे तो 5 रुपये में मिल जाएगा, 5 रुपये में 2 रुपये में ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लेनी है जो आता है जैक, चार्जिंग जैक, जो कि ये भी आपको मिल जाएगा 5 रुपये में। और आपको लेना है एक स्विच जो ऑन ऑफ का काम करेगा, ठीक है। तो इनमें 5-6 चीज़ों से मिलाकर आप लोगों को मैं यूएसबी हब बना के दिखाऊंगा, जो कि आप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरी लास्ट तक वॉच करिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा 4, जो कि हमारा यूएसबी जो है ये आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 4 होल्ड करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये यहाँ से खुल भी जाएगा, देखिए ये बहुत ही आसान तरीका बनाने का। देखिए यहाँ से ये खुल जाएगा, देखिए ये खुल जाता है। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर जल्दी से होल करके आप लोगों को इसका फिटमेंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये होल कर लेंगे 4, जो कि हमारा जो यूएसबी है वो लग जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करके हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से इसे लगा लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। आपको इसको फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेना है, जैसे कि मैं चिपका रखा हूँ अच्छी तरीके से। और दोस्तों आपको इसी पाइप में से कुछ टुकड़े काट के आप लोगों को कुछ इस तरीके का बना लेना है, ठीक है। तो आप इसे पाइप के मदद से बना सकते हो काट के उसमें से, और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। दोस्तों ये जो होल आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये चार्जिंग जैक लगाऊँगा, जो कि आसानी से इसके अंदर आप चार्जर लगा के आप चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, तो इसे मैं फेविक्विक की मदद से चिपका के आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो, मैंने फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से लगा दिया है इसके अंदर। दोस्तों अब आप चार्जिंग लगाओगे तो ये जो 4 यूएसबी लगा रखा हूँ, इससे चार्ज आप कर सकते हो डाटा केबल लगा के। तो इसका फ़िलहाल कनेक्शन रह गया करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये स्विच, आप ये स्विच देख सकते हो जो ऑन ऑफ का काम करेगा, तो इसे भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद दोस्तों ये जो स्विच आप देख रहे हो, हमें कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा देना है, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हो लग गया है, ठीक है। अब ये दोस्तों ऑन ऑफ का काम करेगा बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन मैं बता दूँ, ध्यानपूर्वक देखिए जो इसके अंदर कनेक्शन वो कैसे होगा, तो मैं फ़िलहाल आप लोगों को बताता हूँ कैसे। दोस्तों आप लोगों को जम्पर बना लेना है, जो कि आपके पास कॉपर वायर पड़ा होगा घर में, तो उससे कुछ इस तरीके का जम्पर आप बना सकते हो। तो ये जम्पर बना कॉपर वायर का, इसका कनेक्शन दोस्तों आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं करके आप लोगों को इसका कनेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। एंड हम कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो लाइनिंग बाई लाइनिंग कर लेंगे, जो हमारा यूएसबी का जो पिन आप ये देख सकते हो, मैंने लाइनिंग बाई लाइनिंग कर रखा है सोल्डिंग। ये यहाँ से आपको पूरी एक लाइनिंग में सोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों अभी ये डायरेक्ट है पूरा, यहाँ चार्जिंग से, चार्जिंग जैक जो लगा है यहाँ से डायरेक्ट है। अभी मैंने इससे जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है, इसे मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है। और दोस्तों मैं एक यहाँ पर LED लगाऊँगा, जो कि आप चार्ज में जब लगाओगे तो ये LED जलेगी, ऐसे पता चलेगा कि हमारे पूरा करंट का सप्लाई यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। तो चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इसका कनेक्शन अच्छी तरीके से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके ऊपर मैं एक जो ये चार्जिंग जो होती है 0 वाट की LED करोगे तो ये अब जैसे कि जलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज हो रहा है। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा दोस्तों ये वाली LED, और दोस्तों हम लेंगे 1.3 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि आप ये देख सकते हो। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे सोल्डिंग करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड जो हमारी LED है, इसकी एक लेग में हम ये लगा देंगे,
रेजिस्टेंस जो कि हमारी लेडी ख़राब ना हो, तो इसके ऊपर मैं लगा के सोल्डिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मैंने इसकी सोल्डिंग अच्छी तरीके से कर दी है बिल्कुल, ठीक है, ये देख सकते हो। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि हमारा इसमें प्लस माइनस कौन है, तो हम चार्जर लगाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों चार्जर लगा, देखिए मैं चार्जर लगा देता हूँ ये यहाँ से, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड अब हम इसे लगा लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसका प्लस माइनस कहाँ, हम वहाँ इसे सेटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब ये लग चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए इसमें जो चार्जिंग जैक से होके आ रहा है, जो ये दो वायर, वो हम देख लेंगे इसमें प्लस माइनस कौन है, ठीक है। देखिए एलईडी नहीं जल, तो दोस्तों ये इससे ये पता चलता है कि इस साइड वाला जो रेड वाला है प्लस है इसमें का, और इधर वाला माइनस है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तब ये यहाँ पर हम एक होल करेंगे जहाँ पे एलईडी ये फिक्स हो जाए हमारी। तो मैं सोच रहा इस साइड कर दूँ होल, या तो सामने कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। तो सामने होल करके फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मैंने होल कर दिया इसका अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसे लगा सकते हो, जैसा कि आप ये देख सकते हो इसका फिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर फेविकिक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लूँगा, ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरीके से लगा दिया है, ठीक है, एलईडी को। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा इधर रहेगा, इस साइड इधर, ठीक है, इधर रहेगा, और एक हिस्सा उसका उधर रहेगा, जो प्लस वाला है इधर रहेगा, माइनस वाला उधर रहेगा। तो चलिए सोल्डिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो इसकी सोल्डिंग मैंने कर दी है अच्छी तरीके से। दोस्तों इसमें करना क्या है, आप लोगों को मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखा दूँ, चार्ज हो रहा है या नहीं, चल रहा है या नहीं। तो ये मैं लगाया यहाँ पर, और आप ये देख सकते हो लग गया है। और देखिए अब इसके अंदर दोस्तों पूरा सप्लाई आ रहा है अच्छी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब तो इसका फिटमेंट हो गया, चलिए हमारा यूएसबी हब बन चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा चार्जिंग जैक था वो अंदर से उसकी पिन टूट गई थी, तो मैंने चार्जर ही लगा रखा डायरेक्ट, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर भी कनेक्शन सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को इसकी चेकिंग करा के दिखाता हूँ। तो ये मैं चार्जर लगा दूंगा अंदर प्लग में, लाइट जलने लगी, इसके इसका मतलब इसके अंदर सप्लाई पूरी आ रही है। तो मैं डाटा केबल लगा के आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। फ्रेंड ये रहा मेरा डाटा केबल, ये देख सकते हो, ये रहा मेरा दूसरा वाला फोन, ठीक है। तो ये डाटा केबल में आप लोगों को दोस्तों मैं बारी बारी से लगा के चेक करा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने लगा दी डाटा केबल अंदर, और ये देखिए इसका पूरा। तो फ्रेंड अब मैं इसे लगाऊंगा अपने मोबाइल में, देख सकते हो अपने फोन में दोस्तों चार्ज होने लगा। अब दोस्तों मैं बारी बारी से हर एक में चेक करा के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे निकाल दूंगा दोस्तों। अब जब आपको चार्ज नहीं करना होगा, तो ये यहाँ से मैंने स्विच जो लगा रखा है वो आप यहाँ से बंद कर देंगे, तो ये चार्ज नहीं होगा। आप देख सकते हो दूसरे वाले में भी चार्ज हो रहा अच्छी तरीके से। अब चलिए तीसरे वाले में चेक करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड बहुत ही आसान तरीका बनाने का, आप अपने घर पे खराब चार्जर में से यूएसबी, फ्रेंड आप ये देख सकते हो तीसरे वाले में भी अच्छा चार्ज हो रहा, देखिए इसमें दोस्तों कोई फेक नहीं, आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो तीसरे वाले में भी अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है। दोस्तों इसका परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन मैं दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बनाना चाह रहा है, परसेंटेज बढ़ा के आप लोगों को दिखा देता। चौथे वाले में लगा के दिखाऊंगा, चौथे वाले में भी लगा दिया अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये चारों यूएसबी में चार्ज अच्छे तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों आप ऐसा बना सकते हो आपके घर में, खराब यूएसबी पड़ी हुई खराब चार्जर से आप निकाल के आप बना सकते हो। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बारीकी से बता दूँगा, जैसा कि आप ये देख सकते हो चार्ज हो रहा अच्छी तरीके से। तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।